इंदौर में आम आदमी पार्टी ने देश बचाओ मोदी हटाओ के पोस्टर लगा दिए। शहर में जगह जगह इस तरह के पोस्टर, बैनर और स्टिकर लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर इंदौर महापौर ने साफ कह दिया है कि निगम विरुद्ध लगाए गए सभी पोस्टर हटाए जाएंगे। इंदौर में आप पार्टी ने देश बचाओ मोदी हटाओ के पोस्टर लगाए। शहर में जगह जगह इस तरह के पोस्टर, बैनर और स्टिकर लगाए जा रहे हैं। जब इस पर इंदौर महापौर से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि नियम विरुद्ध लगाए पोस्टर, बैनर हटाए जाएंगे, जहां वह किसी भी पार्टी के क्यों ना हो। इस पर जब आप पार्टी के कार्यकर्ता से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि हमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व का आदेश है कि मोदी लोकतंत्र के खिलाफ तानाशाही दिखा रहे हैं। देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए मोदी को हटाना जरूरी है, इसलिए हम मोदी के खिलाफ बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। देखिए, अगर कुछ भी अवैधानिक तरीके से लगा है पोस्टर तो उसको हम हटवाएंगे, और किसको देश से हटाना है और किसको देश में सर्वोपरि बनाना है ये तो देश की जनता तय करेगी। आज देश से उन लोगों को हटाने की आवश्यकता है जिन्होंने पूरे पंजाब के अंदर अराजकता का माहौल फैला रखा है। पूरे पंजाब में एक नए खालिस्तान की मांग जिनके नेतृत्व में उठ उठी है, तो ये बताएगी देश की जनता कि उन लोगों को हटाने की आवश्यकता है कि उनको और नेतृत्व देने की आवश्यकता है जिनके नेतृत्व में आज भारत पूरे विश्व में सर्वोपरि बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये हमारे आम आदमी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय था कि पूरे देश भर का कार्यकर्ता और आम आदमी मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर पंपलेट लगाएंगे, और उसी के तहत ये सब काम पूरे देश भर में किया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से इस जो लोकतंत्र के खिलाफ मोदी सरकार है, तानाशाह है, उसको हम लोग एक्सक्यूज करने के लिए बिल्कुल चारों तरफ मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर और बैनर लगाए रहे हैं।